सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम पहुँचे हैं चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद। यहाँ पर पूर्व छात्र मिलन समारोह का प्रोग्राम किया हुआ था हमारे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो वहाँ पर हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सभी के सभी आए हैं। मुझे स्टेज के माध्यम से सभी के सामने अपने विचार रखने का मौका मिला। सबसे पहले मैं हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर्स हैं और हमारे एचओडी कुलदीप नारा सर हैं, उन्होंने ये जो अपना क्या बोलते हैं पूर्व छात्र मिलन समारोह ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इसके लिए हम सभी तालियां बजाकर उनका अभिनंदन। तो मेरी जो जर्नी है वो काफी लंबी है, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। और इसके दौरान अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई या फिर कुछ गलती हुई, इसके लिए माफी चाहूंगा। ये जो स्टेज है ना, स्टेज, इस स्टेज के ऊपर जब भी कोई आता है उसकी जबान लड़खड़ाती है, जैसे मेरी लड़खड़ा रही है, आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो टांगे भी कांपती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये अगर कोई नहीं आया है वो आकर के यहाँ देख ले, उनको सबको पता चल जाएगा। कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनट के बाद सभी नॉर्मल हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं आर्मी से रिटायर हूं, मैंने 17 साल आर्मी किया। मैं 2018 में इस यूनिवर्सिटी के अंदर आया था। यहां पर मुझे अच्छे अच्छे गुरुजन मिले, जिनकी गाइडलाइन में मुझे अंक में ये आदेश के अंदर जो पीजीटी का जो जॉब निकली थी उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और मुझे जॉब के लिए मेरी ड्यूटी आई है 21 गांव, सभी जानते ही होंगे। तो मैं सभी गुरुजन का धन्यवाद बोलूंगा, आपने मुझे मार्गदर्शन दिया ऐसा कि मुझे आर्मी से रिटायर होने के बाद सभी लोग यही सोचते हैं कोई ना कोई जॉब मिल जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेरी जर्नी काफी लंबी थी। 2017 जनवरी में मैं रिटायर हो चुका था। उसके बाद मेरे पास कोई गाइडलाइन नहीं थी कि मैं क्या करूं भविष्य के अंदर, क्या करूं क्या नहीं करूं। ज्यादातर आर्मी पर्सन क्या करता है, वो जाता है कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ लेता है, जैसे कि पुलिस की जॉब हो गई, क्लर्क की हो गई, या एनीवे कोई ग्रुप डी की होगी। लेकिन आज के टाइम में जो बेरोजगारी की दर चली हुई है ना, उसके अंदर कोई भी जॉब मिल जाए वो उस व्यक्ति के लिए भाग्यशाली है। क्योंकि आज के टाइम में जो महंगाई दर बढ़ी हुई है उसके उसको देखते हुए कोई भी जॉब सफिशियंट है। लेकिन आदमी को अपने अपने मन को तसल्ली देनी चाहिए कि ऊपर वाले ने मुझे रोजगार दिया और रोजी रोटी दी। तो ये 2017 जनवरी में रिटायर हुआ। उसके बाद मैंने 7 साल संघर्ष किया। 7 साल मेरे ख्याल से तो काफी लंबा टाइम था, क्योंकि लोग मुझे कांधे भी मारते थे, बोला अभी तक तू यही घूम रहा है। मैंने बोला उनको, सर क्या करें, अभी किसी के जबरदस्ती कहीं जाके जॉब तो नहीं कर सकते। काफी ताने सहे मैंने और आस पड़ोस वाले भी बोलते थे, आर्मी से भी मेरे पास फोन आते थे। हमारा एक आर्मी का अलग से ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर भी पूछते रहते थे, सभी अपनी अपडेट देते थे, बोला मैं वहां जॉब लग गया, मैं वहां जॉब लग गया। तो मैं मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि बोलते नहीं है सबर का फल मीठा होता है, वही सबर का फल मेरे साथ हुआ, मुझे काफी मीठा फल मिला। मुझे अभी तक जितने भी मेरे बैच के या फिर मेरे से सीनियर रिटायरमेंट हुए हैं, सबसे बढ़िया पोस्ट मुझे मिली है। ये सिर्फ सबर का फल है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मेहनत कीजिए, वो मेहनत का फल हमेशा आप लोगों को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सबर जरूर है, सबर के बिना कुछ नहीं मिलेगा। और मैं सही बताऊं तो मैंने तीसरी बार में मैंने एस्टेट क्वालिफाई किया। पहले दो बार मैं फेल हो चुका था। फर्स्ट टाइम मेरा अटेम्प्ट था जिसके अंदर मुझे ये पता चला कि एस्टेट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट और किस हिसाब से आते हैं। सेकंड वाले में मेरी वीकनेस रही कि हेल्पिंग सब्जेक्ट मेरे वीक थे,
और थर्ड टाइम जब मैंने पास किया उस टाइम मैं सब कुछ जान चुका था कि हेल्पिंग सब्जेक्ट के बिना आप लोग पास नहीं कर सकते एचटेट, और एचटेट के बिना आगे पढ़ाव पास नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों से मेरी राय भी है और रिक्वेस्ट भी है कि जिसका भी अगर हेल्पिंग सब्जेक्ट जिसके वीक हैं प्लीज उसके ऊपर फोकस कीजिए, बहुत जरूरी है, आपका एचटेट क्वालिफाई करने में काफी मदद करेंगे। और सब्जेक्ट तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, आप लोग सब्जेक्ट को इतना कमजोर ना समझें, क्योंकि सब्जेक्ट छोटी मोटी चीज नहीं है हमारी। दूसरों को लगता है कि ये छोटी मोटी चीज है, लेकिन नहीं, आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट है ना सभी आ जाते हैं, सभी टोटली सभी जानते हैं, लेकिन अगर आप लोग उसको थोड़ी सी गहराई से पढ़ेंगे, हमारे गुरुजन हैं हमें गाइड करते रहते हैं, तो आप लोग उनसे पूछिए, वो भी आप लोगों को बताएंगे। कुछ खुद भी एफर्ट लगाना पड़ेगा और कम नहीं ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे टाइम निकल रहा है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो यही कुछ सब थे, अगर मेरे से कुछ गलती हो तो माफी चाहूंगा, धन्यवाद।
हमारे डिपार्टमेंट ने दोपहर के खाने का भी प्रोग्राम किया हुआ था। जितने भी मेरे क्लासमेट हैं, जूनियर सीनियर सभी खाना खा रहे हैं। पूरा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अभी हम यूनिवर्सिटी के बाहर हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने अपने घर। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।